आज वो जो लॉजिस्टिक वाला प्ले है ना, वो थोड़ा दिख रहा है। आप देखिए गति के अंदर थोड़ी तेजी है, थोड़ा ब्लू डार्ट आज वापस ऊपर आए, हालांकि कल भी चल रहा था 2-2.5%, यहाँ पे भी मूव है। किरण जरा दोनों के आप चार्ट देखिए, गति और ब्लू डार्ट, ये स्विंग ट्रेड के हिसाब से कितना प्ले देंगे मेरे को? मेरे को ये तो मालूम है फंडामेंटली बेनिफिशियरी है, मेरे को स्विंग फायदा लेना है, 4-5 रुपये मिल जाए और ब्लू डार्ट के अंदर करीब 50-60 रुपये मिल जाए, क्या रेंज रखें सर? दोनों को अगर कंपेयर करते तो रिलेटिवली ब्लू डार्ट का चार्ट काफी अच्छा है, और मेरा मानना है कि अगर इधर लॉन्ग किया जा सकता है तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए। 44-40 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए हम लेवल्स देख सकते हैं करीबन 46-50 या ऐसे इनके नजदीक, और ये भी पोजिशनल कॉल रहेगा क्योंकि इसने एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस करीबन 44-70 का है वो क्रॉस किया है और इसके ऊपर रहने की कोशिश कर रहा है। जहां पे गति की बात है, गति मुझे नहीं उतना अच्छा दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि इधर से बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी, बल्कि अगर 130 के नीचे अगर ट्रेड करना चालू करेगा तो मैं इसमें शॉर्ट करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 33 का और टारगेट्स के लिए हम 126 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है।